अच्छा, मोबाइल चलाया जा रहा है। काजल एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी कैसी है? मेरी मम्मी? और क्या, पड़ोस वाली माँ के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा, मेरी सासू माँ कैसी है वो? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है, बाकी एकदम फिट एंड फाइन है। बहुत बढ़िया। और पापा, पापा कैसे हैं? पापा भी एकदम बढ़िया हैं। सुबह सुबह जॉगिंग पर जाते हैं और शाम को फिर जलेबियां खाने निकल जाते हैं। वैसे आज तुम मेरे घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तेरे घर वाले? अरे यार काजल, तू कैसी बात कर रही है, कुछ भी बोली जा रही है। अरे तेरे घर वाले, मेरे घर वाले, सब एक ही तो हैं। अरे क्या हो गया, तू ऐसे क्या देख रही है? आज मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे मायके वालों के बारे में पूछ रहे हो। और बात करो ना। अच्छा एक बात बता, वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े पापा की लड़की थी, उसका नाम क्या था? प्रिया। हाँ हाँ वही। अरे उसका कहीं रिश्ता उस्ता तय हुआ या नहीं? कहाँ यार, कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा है। अरे यार, लड़की भी तो ढंग की होनी चाहिए। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि आजकल ढंग के लड़के मिलते कहाँ हैं, सबकी किस्मत तुम्हारे जैसे थोड़ी होती है। अच्छा वैसे क्या दिक्कत आ रही है? वही, किसी की हाइट कम, किसी की सैलरी कम, और किसी को वो रिजेक्ट कर देती है, पसंद नहीं करती। तुम्हें तो उसकी पसंद का पता ही है। अरे डिफरेंट तो ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिफरेंट के चक्कर में सारा जिंदगी कुंवारा बैठना पड़ जाए। हाँ तुम सही कह रहे हो। देखो ना, मुझसे 4 साल बड़ी है वो, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक घर में बैठी है, अभी तक उसकी शादी ही नहीं हुई। अच्छा एक बात बता काजल, हमारी शादी से पहले तुझको कितने लड़कों ने रिजेक्ट किया था? क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया था? पूरे 20 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें चूज किया था मैंने, तुम्हें सिलेक्ट किया था। क्या बात कर रही हो, 20 लड़के? और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें सिलेक्ट किया था। और जब मैंने रिश्ते के लिए हाँ की थी ना, तब तुम्हारा चेहरा देख लिया था मैंने, कितने खुश लग रहे थे तुम। मेरी खुशी? हाँ क्यों, खुश नहीं थे तुम? हाँ था खुश। अब जिसको इतनी सुंदर इतनी प्यारी वाइफ मिलेगी, कौन नहीं खुश रहेगा। सच्ची? और तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर तुमको देखने गया था, तो पता है मुझे कैसा लगा था? क्या लगा था? हाँ बस ये कह रहा था कि एक मिनट। हेलो, हाँ भाई तू आ गया? नहीं नहीं मैं भी रेडी हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ, मुझे सिर्फ जूता पहनना है बस। ठीक ठीक मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताओ। अरे यार विकास को आने में लेट हो गया था, तो मैंने सोचा 5 मिनट तुमसे ही टाइम पास कर लेता हूँ, बस यही था। इसका मतलब तुम इतनी देर से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। हाँ और नहीं तो क्या। चल अब मैं चलता हूँ, कुछ देर के बाद आता हूँ, ठीक है? अरे कहाँ चलता हूँ मैं, कोई टाइम पास करने की चीज हूँ क्या? शाम को मिलते हैं। घर मत आ जाना, गेट नहीं खोलूंगी, ना खाना बना कर दूंगी, खुद ही बनाना और खुद ही खाना। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? टाइम पास समझ रखा है ना मुझे, अब पता चलेगा।